हेलो एवरीवन आई एम डॉक्टर अमित कुमार खरे आई एम एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट एट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज लखनऊ आई एम टीचिंग यू द इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट एंड इज़ द फोर्थ लेक्चर दैट इज मॉड्स ऑफ एंट्री मॉड्स ऑफ एंट्री में हम लोग ये पढ़ते हैं कि हम जब किसी भी देश में बिजनेस करने जाते हैं तो हमारा उस देश के बिजनेस से में जाने का क्या तरीका होना चाहिए हम किस तरीके से वहाँ जाएंगे हम क्या डायरेक्ट एक्सपोर्ट करने लगेंगे हम क्या जो है उस देश के फॉरेन पॉलिसी मेकर से बात करेंगे या हम उस देश में किसी कंपनी से मिल के काम करेंगे हम जब ये काम करने लगते हैं तो हमको बहुत सोच समझ के बहुत ही पूर्वक उस रिस्क को देखते हुए अलग अलग मॉड में जाना पड़ता है और वो अलग अलग कंट्री उस उसका वो अप्लाई करता है और वो मॉड ऑफ इंट्री वन बाय वन हम आपको इस पूरे लेक्चर में बताएंगे और ये बात को समझाएंगे कि हम किस तरीके से रिस्क फ्री हो सकते हैं अगर हम किसी देश के बिजनेस में अपनी अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को ले जा मार्केट करते हैं तो जो हमारे उसके प्रकार हैं जिस जिस प्रकार से मैं वहाँ हम जाके वहाँ पे बिज़नेस करेंगे उन्हीं को हम मॉड ऑफ इंट्री कहते हैं वो तरीक़े हैं वो रूट हैं वो हमारे रास्ते हैं वहाँ पहुँचने के और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के इंटरनेशनल बिज़नेस मॉड ऑफ एंट्री में हम एक्सपोर्ट करते हैं किसको कंट्री टू कंट्री कंपनी टू कंपनी ऑर्गनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन ठीक है अब अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें ये मालूम होना चाहिए अच्छी तरीके से कि उस देश की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं वो एज़ पर द रूल एज़ पर द रेगुलेशंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइजेशन के मुताबिक हैं अगर हम ये एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को आ, अच्छी तरीक़े से ए, पहले से जान के और उस तरीक़े को उस कंट्री के तरीकों को समझ के जाते हैं तो हमारे लिए वो बहुत कारगर होता है इंटरनेशनल बिजनेस और इसमें हम दूसरी तरीक़ा है हमारा डायरेक्ट एक्सपोर्ट हम डायरेक्ट एक्सपोर्ट कंपनी टू कंपनी कर सकते हैं या कंट्री टू कंट्री भी कर सकते हैं इट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट रेंज कैसा प्रोडक्ट है कौन सी कंपनी है किस कंपनी को क्या प्रोडक्ट चाहिए और कहाँ पे वो जाके आपके लिए वो चीज़ों को प्रमोट करेगा या उस प्रोडक्ट को अपनी कंट्री में बेचेगा इनडायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपोर्ट हम कैसे कर सकते हैं इनडायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपोर्ट हम डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हैं हम अपनी कंट्री में भी डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हैं जिसका कि उस कंट्री के डिस्ट्रीब्यूटर या कंपनी से कॉलोबोशन है तो हम इंडाक्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं लाइसेंसिंग कर सकते हैं लाइसेंसिंग अभी हमने आपको बताया था कि वाई द लाइसेंसिंग आर रिक्वायर्ड बिकॉज ऑफ द सर्टन टैरिफ्स रूल्स पेटेंट एंड ट्रेड मार्क्स द कस्टम ड्यूटीज एंड द इकोनॉमिक कंडीशन जब गड़बड़ होती है तो ये लाइसेंस जो प्रक्रिया है ये बहुत हेल्प करती है और हम जो हैं उसको वहाँ पर जब जाते हैं उस कंट्री में तो हमारे पास जब लाइसेंस होता है तो टेक्नोलॉजी का और पेटेंट का प्रॉब्लम बहुत लेस हो जाता है और ऐसे ही हम जब फ्रेंचाइजी खोलते हैं तो फ्रेंचाइजी के लिए हमको लोकल बिजनेसमैन लोकल डिस्ट्रीब्यूटर एक्सपोर्टर कंपनी सब की हेल्प लेनी पड़ेगी तभी हम वहाँ पे अपनी फ्रेंचाइजी कर सकते हैं लेकिन उसके लिए फिर हमें देखना पड़ेगा कि उस कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है अगर अगर वो कंट्री अच्छे से नहीं कर सकती है तो हम दूसरी कंट्री से उसको एक्सपोर्ट कर देंगे जो उसके आ, आ, बिल्कुल नियर बाई होगी और टन प्रोजेक्ट जो होता है वो हम तब करते हैं टन की प्रोजेक्ट जब हमें कॉन्ट्रैक्टर की ज़रूरत होती है और ये ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन कंपनीज में काम आता है जैसे आपको आ, पुल बनाना है रेलवे का और बहुत बड़ा सा जो है वो आपको आ, वो पुल बनाना है ब्रिज बनाना है जिससे कि आपकी ट्रैफिक प्रॉब्लम कम हो जाए तो हम जो हैं वो प्रोजेक्ट्स को फॉरेन कंट्रीज़ में कॉन्ट्रैक्टर को दे देते हैं और वो कॉन्ट्रैक्टर उस प्रोजेक्ट्स को पूरा करता है जॉइंट वेंचर में क्या होता है कि हमारा और उस कंपनी का दोनों का बराबर की जिम्मेदारी हो जाती है क्या कि हम जो हैं वो बिज़नेस करने जा रहे हैं तो दोनों का उसमें इंटरेस्ट जो है वो फुलफ़िल होना चाहिए अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इंटरनेशनल बिजनेस में प्रॉब्लम आती है लेकिन 90 परसेंट लोग पहले से ही जॉइंट वेंचर को रूल्स एंड रेगुलेशंस को मैसअप करके और फिर उस इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री मारते हैं तो हमारी जो पहली एंट्री का तरीका है वो क्या है एक्सपोर्टिंग डायरेक्ट एक्सपोर्ट टू द डायरेक्ट कंपनी डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट इन डायरेक्ट एक्सपोर्ट में हम क्या करते हैं हम उस कंट्री के किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट या कंपनी से ही अपने डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट या कंपनी से बात करके ही जो है एक्सपोर्ट करते हैं फिर हम लाइसेंस ले लेते हैं हम उस कंट्री का लाइसेंस ले लेंगे ले तो हम सोल इंचार्ज हो गए कि हम उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट यहाँ से करेंगे ऐसे ही हम अपना देश की अपनी कंट्री की अपनी कंपनी की फ्रेंचाइजी वहाँ खोलेंगे और उस फ्रेंचाइजी के थ्रू हम काम करेंगे जब ये पूरा प्रोजेक्ट हमारा हो जाता है तो हमारे लिए फ्रेंचाइजी में काम करना बहुत आसान होता है टन टन की प्रोजेक्ट जो होते हैं वो प्रोजेक्ट्स हमेशा कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होते हैं जॉइंट वेंचर में हमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग लेके चलनी पड़ेगी और एक्सपोर्ट मर्चेंट जो होते हैं वो एक्सक्लूसिवली आपके देश में भी हो सकते हैं उनके कंट्री में भी हो सकते हैं मर, वो दोनों ही मर्चेंट भी हो सकते हैं और दोनों ही जो है दो देश के नागरिक होते हुए भी, भी बिजनेस आपके लिए कर सकते हैं डायरेक्ट एक्सपोर्ट में हम वन बाई वन आपको एक्सप्लेन करेंगे बॉन्ड ऑफ एंट्री को डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग इज द सेल बाई एन एक्सपोर्टर डायरेक्टली टू एन इम्पोर्टर लोकेटेड इन अनादर कंट्री without using another person or an organization to make arrangement for them the exporter will be responsible for handling the market research logistic of shipments foreign distribution and collecting the payment direct exporting always involves an organization selling goods directly to a customer in an international market

जो प्रोडक्ट है वो इंटरनेशनल मार्केट में आराम से प्लेस हो सके लेकिन इसमें जो हैंडलिंग होती है वो बहुत आ, आ, रिस्की होती है और उसमें लॉजिस्टिक इन्वॉल्व है उसमें सिपमेंट इन्वॉल्व है उसमें कस्टम रूल्स इन्वाल्व हैं उसमें टैरिफ्स इन्वॉल्व हैं और उसमें कलेक्शन ऑफ पेमेंट इन्वॉल्व है सो so, अभी हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तो बताएंगे कि कलेक्शन ऑफ पेमेंट कैसे करते हैं

इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट जो होता है वो हम सेलिंग टू एन इंटरमीडियरी इंटरमीडियरी क्या होता है इंटरमीडियरी जो होता है वो बिचौलिया है जो आपके लिए वहाँ बैठ के काम कर रहा है हु इन सेल योर प्रोडक्ट्स आइदर डायरेक्टली टू द कस्टमर आर टू इम्पोर्टिंग फॉर द होल तो वो और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके जो वहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर और एजेंट हैं वो डायरेक्टली आपसे इंपोर्ट कर लेते हैं मटेरियल को और उन्हीं के पास राइट्स होता है कि वो उसको अपनी मार्केट में प्लेस करेंगे और प्लेस करके उसका रेवेन्यू उठाएंगे और उसको प्रमोट करेंगे बट आपको इनडारेक्टली ही उस मार्केट में जाना है आपको वो रूल तोड़ना नहीं है अगर आपने वो रूल तोड़ा तो देर आर सो मैनी रूल्स एंड रेगोलेशन देर आर सो मैनी ऑर्गनाइजेशन विच आर डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व टू कंटेन द टू पार्टीज टू स्टिक ऑन द पर्टिकुलर रूल तो हम इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग मीज सेलिंग एंड टू एंड इंटरमीडिय हु इन डेल योर प्रोडक्ट आई न डायरेक्टली टू द कस्टमर आर टू इंपोर्टिंग होल सेलर द इजिएस्ट मेथड ऑफ इंड एक्सपोर्टिंग इज टू सेल एंड इंटरमीडियन योर ओन कंट्री आपके देश में ही बैठा है बंदा उसको आप जो हैं मटेरियल दे देते हैं वो आपके लिए एक्सपोर्ट कर देता है इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग इन वॉस एंड सेल्स टू एन इंटरमीड इंटरमीडरी इन इट्स ओन कंट्री ठीक है और अगर आप ये प्रोसेस में जाते हैं तो इसमें आपका रिस्क बहुत कम है क्यों क्योंकि वो आपको पेमेंट भी दिलाएगा वो आपके देश में बैठा हुआ है वो आपको हर तरीके से प्रोटेक्ट करेगा ठीक है अब आप इंटरमीडियरी को समझ लीजिए कि दिस इंटरमीडियरी देन सेल द गुड टू द इंटरनेशनल मार्केट अब वो जो बिचौलिया है वो आपके प्रोडक्ट को ले जाके आपके इंटरनेशनल मार्केट में बेचता है इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग मीन्स वाट इट इज ए सेलिंग टू एन इंटरमीडियरी मतलब आप अभी देश के बाहर नहीं गए हैं आपने अपने देश में ही उस एजेंट को अपना मटेरियल को बेच दिया है ठीक है हुई डन सेल योर प्रोडक्ट डायरेक्टली उस देश के कस्टमर को बेच रहा है और टू इम्पोर्टिंग होल सेलर्स वहाँ के भी बिचौलिये होते हैं तो वो या तो ख़रीद रहे हैं या आप उनको बेच रहे हैं तो दोनों में कस्टमर क्या है कंपनी भी हो सकती है और कस्टमर जो है वो डायरेक्ट होल सेलर भी हो सकता है द ईजिएस्ट वे ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग इज़ टू सेल एंड इंटरमीडियरी इन योर ओन कंट्री आप बाहर जाके किसी भी एजेंट को मत बनाइए आप अपने देश के अंदर ही जो एजेंट ऑथराइज हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बना रखे हैं उनको आप लेके जो है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करिए इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग इन्वॉल्व एन आर्गनाइजेशन सेल टू एन इंटरमीडरी इन इट्स ओन कंट्री द इंटरमीडरी क्या है जो कि आपके मार्केट से माल लेता है आपके थ्रू और फॉरेन मार्केट में ले जाके उसको प्लेस कर देता है इंटरी थ्रू लाइसेंसिंग अभी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सुना था कि इंट्री थ्रू लाइसेंसिंग लाइसेंस हम जब बनवाते हैं या हम लाइसेंस के लिए जब जाते हैं जब हमको ये अच्छी तरह मालूम होता है कि यहाँ पे पेटेड ला हैं उनके अपने अधिकार हैं उस प्रोडक्ट के लिए उनकी अपनी टैरिफ्स हैं स्पेशल, उनके अपने कस्टम ड्यूटीज़ हैं उनके शिपमेंट रूल्स हैं उनके लॉजिस्टिक रूल्स हैं और उनके अपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज हैं तो हम लाइसेंस जब लेंगे तो हम उस बात को जान जाएंगे कि हम उस देश में जा रहे हैं तो हमें किन प्रोडक्ट को करना है किनको नहीं करना है क्या उन्होंने मुझको अलाउ किया है क्या नहीं किया है एंड इंटरनेशनल लाइसेंसिंग एग्रीमेंट अलाउज फॉरन फॉर्म्स आइदर एक्सक्लूसिवली और नॉट एक्सक्लूसिवली टू मैनुफैक्चर ए प्रोपराइटर्स प्रोडक्ट फॉर ए फिक्स टर्म इन ए स्पेसिफिक मार्केट यहाँ पर यह पॉइंट समझने की जरूरत है ए लाइसेंसर इन द होम कंट्री मेक्स लिमिटेड राइट्स आपको बता दिया उसने कि आपको सिर्फ कार के ये ये पार्ट्स के मेनुफैक्चरिंग करनी है कार नहीं मैनुफैक्चरिंग करनी है आर रिसोर्स अवेलेबल टू द लाइसेंसी इन द होस्ट कंट्री या अगर आपको कार मनुफैक्चर करनी है तो जिसके पास कार मैनुफैक्चरिंग का लाइसेंस है उससे आप अपना कोलैबोरेशन कर लीजिए मोड ऑफ इंट्री द ट्रांसफरेंस ऑफ नॉलेज बिटवीन द पेरेंटल कंपनी एंड द लाइसेंसी इज स्ट्रांगली प्रेजेंट व्हाट इज लाइसेंसी आपको समझ में आ गया अब हम ये जो लाइसेंस का प्रोसेस है इसमें क्या करते हैं वी ऑप्टेन एक्स्ट्रा इनकम फॉर टेक्निकल नो हाउ एंड सर्विसेज अगर हमारे देश में वो टेक्नोलॉजी है और हम किसी को दे रहे हैं कि वो उसका इस्तेमाल करे, तो हम उससे टैरिफ लगा के help, उससे टेक्निकल नो हाउ की इनकम ले लेते हैं इंटरनेशनल करेंसी में और पॉलिटिकल रिस्क जो होता है वो लाइसेंस में बहुत मिनिमम हो जाता है क्योंकि कंपनी बाउंड हो जाती है कंट्री बाउंड हो जाती है पॉलिटिकल जो फॉरेन पॉलिसी है वो बाउंड हो जाती है कि नहीं हमको हंड्रेड परसेंट ओन करना है इनका प्रोडक्ट इंट्री बाय फ्रेंचाइजी व्हाट इज फ्रेंचाइजी ए सिस्टम इन विच ए सेमी इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर्स

कंपनी but I am not a owner. ठीक है कम्पेयर to licensing, franchise agreements tend to be longer. ये इसलिए longer होता है क्योंकि आप जो मैंने अभी आपको बताया था मल्टी में में मल्टीडोमेस्टिक उस तरह से आप काम करते हैं और आपको बिल्कुल फ्री हैंड दिया जाता है कि आप विद इन द ब्रैकेट्स ये ये चीज़ें हमारी प्रमोट कर सकते हैं ये हमने आपको प्रोडक्ट लाइन बता दी है और इस पर आप काम करिए और लॉन्गर पीरियड में काम करिए और वो अपनी एक फीस लेके किनारे हो जाता है फ्रेंचाइजर इन एडिशन टू दैट वाइल ए लाइसेंसिंग एग्रीमेंट इन वॉस थिंग्स सच एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रेड एड सिगरेट एंड अदर्स वाइल इन फ्रेंचाइजिंग इट इज़ लिमिटेड टू ट्रेड मार्क्स अगर आप लाइसेंसिंग एग्रीमेंट करने जा रहे हैं तो उसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ट्रेड सीक्रेट्स और फ्रेंचाइजी से अलग हट के लिमिटेड ट्रेड मार्क्स ही उसमें होता है बाक़ी में सब कुछ आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा वेल सेलेक्टेड पार्टनर्स ब्रिग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एज वेल एज मैनेजेरियल कैपेबिलिटीज टू द ऑपरेशन पूरा जो ऑपरेशन है मैकडोनल्ड का उसमें वेल ट्रेनड एम्प्लाइज होते हैं बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है और उसका आर बहुत अच्छा होता है और जब आर अच्छा होगा तो फ्रेंचाइजर कभी भी आपको डी लाइसेंस नहीं करेगा द टंकी प्रोजेक्ट्स वाट इज टंकी प्रोजेक्ट्स रिफर्स टू द प्रोजेक्ट वैंड क्लाइंट्स प्ले कॉन्टेक्टर टू डिजाइन एंड कंस्ट्रक्ट न्यू फैसिलिटीज एंड ट्रेन पर्सनल टंकी प्रोजेक्ट्स इज ए वे फॉर फॉरन कंपनी टू एक्सपोर्ट व्हाट डे आर एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट Are a turnkey operation in a type of project that is constructed so that it can be sold to any buyer as a complete product. Turnkey projects are contract as described by Duncan Walla in 1984. The contract where the essential design emanates from or it supplied by the contractor, not the owner. Turnkey is, a, is treated.

टू डाइवर्सिफाई मैनेज एंड पॉसिबली रिड्यूज इट्स रिस्क और वो पूरा रिस्क भी जो है रिड्यूस करते हैं होली ऑन सब्सिडीज रिटेन लीगल कंट्रोल ओवर ऑपरेशन प्रोडक्ट्स एंड पोसेस वॉट इज ज्वाइंट वेंचर ए ज्वाइंट वेंचर इज ए बिजनेस एंटाइटी क्रिएटेड बाई टू आर मोर पार्टीज जनरली कैरेक्टराइज बाई शेयर्ड ओनरशिप शेयर्ड रिस्कर्ड गेंचर इज ए बिजनेस एंड टैटी क्रिएटेड बाई टू आर मोर पार्टीज अगर दो देश होंगे या दो कंपनी होगी या दो ऑर्गेनाइजेशन होंगे उनमें आपस में ज्वाइंट वेंचर हो जाएगा कि भाई हमारी ओनरशिप बराबर की है हमारा शेयर जो है बराबर का है हमारी रिस्क बराबर की है और अगर कोई लॉस होगा तो हम बराबर बराबर झेलेंगे और हम बराबर बराबर उसको इस्तेमाल करेंगे कंपनीज टिपिकली परस्यूज ज्वाइंट वेंचर्स फॉर वन ऑफ आर फोर रीजन क्या टू एक्सेस ए न्यू मार्केट पर्टिकुलरली इमर्जिंग मार्केट लाइक इंडिया ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका दीज आर द इमर्जिंग मार्केट इन दिस टाइम इन द वर्ल्ड टू गेन स्केल इफिशेंसीज बाई कम्बाइनिंग एसेट्स एंड ऑपरेशंस क्या वो जो उसकी एसेट है चाहे लिक्विड है चाहे सॉलिड है और उसका हम ऑपरेशन जो करते हैं वो उसकी एफिसंसी को जानते हैं टू शेयर रिस्क फॉर मेजर इन्वेस्टमेंट्स और बहुत बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको और स्किल को स्किल uh, लेबर को और कम और उस देश में कैपेबिलिटी क्या है मैन्युफैक्चरिंग की उस पर हम ज्वाइंट वेंचर करते हैं ज्वाइंट वेंचर इज ऑलवेज बेनिफिशियल टू ऑल द प्रोडक्ट्स टू ऑल द प्रोडक्ट्स इट डज नॉट मैटर विच प्रोडक्ट यू आर गोइंग टू प्रमोट सो हमने इसमें यह पढ़ा कि हम जॉइंट वेंचर कर रहे हैं लेकिन क्या कर रहे हैं टू आर मोर पार्टीज जनरली कैटराइज बाई शेयर ओनरशिप शेयर रिटर्न रिस्क एंड शेयर गवर्नेंस Companies typically pursue joint ventures for the uh, for the one of four reasons to access a new product, particularly emerging market, to gain scale efficiencies by combining assets and operations to share risk for major investment or projects to access, access skills and capabilities. The strategic alliance. What is this strategic alliance? It is strategic mean ग अलायंस इज ए टाइप ऑफ कॉपरेटिव एग्रीमेंट बिटवीन डिफरेंट फॉर्म्स सच है शेयर रिसर्च फार्मल ज्वाइंट वेंचर्स सो हम जो हैं जब स्ट्रैटेजिक अलायंस के लिए जाते हैं तो मेरे माइंड में ये दो बात होनी चाहिए द मॉडर्न फॉर्म ऑफ स्ट्रेटजिक अलायंस इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली पॉपुलर आज के सिनारियों में कोई भी देश जाके किसी देश में बिना किसी डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट या मर्चेंट एक्सपोर्टर के बिना या किसी कंपनी के टेक्नोलॉजिकल नुहाव के बिना काम ही नहीं करता है एंड हैज़ थ्री डिस्टिंग करेक्टर्स दे आर फ्रिक्वेंटली बिटवीन फॉर्म्स एंड इंडस्ट्रलाइजेशन आपका जो फॉर्म है और डिजिटलाइजेशन है इंडस्ट्राइजेशन उसमें ये प्रैक्टिस फ्रिक्वेंटली होती है द फोकस इज ऑफ एन ऑन क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट हम हमेशा बायर प्रेफरेंस में काम करते हैं हम हमेशा बायर के लिए ही जाते हैं हम हमेशा बायर को ही भगवान मानते हैं तो हमें बायर के हिसाब से नया प्रोडक्ट बनाते रहना है उसकी प्रेफरेंस को देखते रहना है टेक्नोलॉजी रादर दैन डिस्ट्रीब्यूटिंग एक्सिस्टिमेंट हम टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करते जाएंगे उस प्रोडक्ट को टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड करेंगे दे आर ऑफ एन ओनली क्रिएटेड फॉर शॉर्ट टर्म एडिशन ड्यूरेशन नॉट equity-based agreement in which companies are separated and are independent. so, a strategic alliance is a type of cooperative agreement between different firms. the export merchant. what is export merchant? export merchant is nothing but a local people or maybe the. Uh, Merchant uh, sitting in the foreign country. An export merchant purchases products from foreign and domestic manufacturers or producers, then repackage them for export under its own name by taking all our risk. What are the risks? I have already explained and selling the goods to their own consumers. तो हम क्या करते हैं एक्सपोर्ट करते हैं क्या प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट मर्चेंट के थ्रू ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ए कॉपी ऑफ शिपिंग बिल बिल ऑफ एक्सपोर्टिंग अलोंग विद द प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट रिपोर्ट शैल बी फिल्ड विद द रजिस्टर्ड सप्लायर एज वेल एज इज जूरिडिकल टैक्स ऑफिसर व्हाट इज़ टैक्स ऑफिसर हियर द टैक्स ऑफिसर इज कस्टमर कस्टम ड्यूटी और टैरिफ्स सो so, हमारा जो एक्सपोर्टर है वो क्या करता है हम एक्सपोर्ट करते हैं एक्सपोर्ट मर्चेंट के थ्रू वो परचेज़ करता है प्रोडक्ट विदेश से या अपने यहाँ के मैन्युफैक्चरर से और उसको फिर से वो रीपैकेज करके एक्सपोर्ट कर देता है अपने नाम से क्यों क्योंकि वो उसका पूरा रिस्क लेता है प्रोडक्ट को बेचने का टू

मर्चेंट और इसमें सारी गवर्नमेंट एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं कहीं भी किसी भी प्रकार की बैरियर नहीं होता है सारा काम एज पर द कस्टम रूल होता है ऑफ दैट कंट्री एंड दे ऑलवेज इन्वॉल्व द मर्चेंट चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सो मर्चेंट एक्सपोर्टर्स प्रोक्योर द मटेरियल फ्रॉम ए मैनुफेक्चरर एंड एंड एक्सपोर्टर इन इज़ फर्म्स नेम अपने देश में अपने यहाँ मंगाता है अपने नाम से और अपने ही नाम से उसको प्रमोट करके बेचता है मर्चेंट एक्सपोर्ट एक्सपोर्टर प्रक्यूज दर्डर फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट और वो एक्सपोर्ट मर्चेंट जो होगा वो हमेशा इंटरनेशनल मार्केट से उस मटेरियल को उठाएगा और इंटरनेशनल मार्केट में ही उसकी खपत करा देगा तो मर्चेंट एक्सपोर्टर डज नॉट हैव एन ओन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आर प्रोसेसिंग फैक्ट्री ये एक क्वाइट uh, अंडरस्टैंडेबल uh, बात है कि हम मर्चेंट एक्सपोर्टर हैं तो हम मैन्युफैक्चरर हो ही नहीं सकते क्यों क्योंकि हमको लाइसेंस ही मिला है कि हम किसी मैन्युफैक्चरर से माल को उठाएंगे और उस कंट्री में ले जा uh, बेचेंगे जहाँ की वो प्रोडक्ट आराम से uh, बिक सकता है या बायर प्रेफरेंसेस उस देश के उस देश के कस्टमर में ज़्यादा है तो हमने क्या पढ़ा हमने ये पढ़ा कि हम एक्सपोर्ट मर्चेंट हैं तो फॉरेन में भी हैं डोमेस्टिक में भी हैं हम मैन्युफैक्चरर से माल लेते हैं या हम एक्सपोर्टर से भी माल ले सकते हैं लेकिन हम क्या करते हैं हम उसको पैकेज करेंगे और अपने नाम से ही उसको दूसरी कंट्री में बेचेंगे ठीक है और उस प्रोसेस में पूरा का पूरा रिस्क उसी एक्सपोर्ट मर्चेंट का होता है चाहे वो मटेरियल लॉस हो चाहे वो डिज़ास्टर प्रॉब्लम हो जाए कोई बहुत बड़ी चाहे वो वार हो जाए चाहे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होगी तो इट इज़ ए ड्यूटी ऑफ दैट एक्सपोर्ट मर्चेंट टू सेल दैट प्रोडक्ट इन अगर उसके देश में प्रॉब्लम हो गई है तो वो दूसरे देश में भी उसको बेच सकता है प्रोवाइडेड कि उस देश का लाइसेंस उसके पास हो तो हमने ये टोटल मॉड ऑफ एंट्री को पढ़ लिया और पढ़ने के बाद ये जान लिया कि हम किस किस तरीके से पूरे आ, विश्व में बिजनेस कर सकते हैं थैंक यू वेरी मच